परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमे व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् परेषु काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहितम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य विधस्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञस्य विहिता पुरा तस्मा भूमेत्युदाधेत्य
यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियास विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावेषु सवित्ये तत्प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाठयोज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धे सदिति शोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुयात् अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुयात् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु वृन्दविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धार्थविभागयोगो नाम सप्तदशः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 सितंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम राम।
देखो अपने हैज में रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा न होना चाहिए, ये दो चीज है। अगर इसको छोड़ दें हम तो निहाल हो जाए। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति कहते हैं, ऊंचे से ऊंचे जो चीज है वो हो जाए। इसे कितनी बढ़िया बात है। ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दो को छोड़ दे। होना चाहिए जो होता रहे, नहीं होता नहीं होता रहे। अपना ख्याल करना है, करना चाहिए कि नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर तो दृष्टि रखनी है। जो नहीं करना चाहिए जो नहीं कर सकते वो तो करना ही नहीं है, और कर सकते हैं करना चाहिए वो करना है। तो करने लायक काम को करे, न करने लायक काम को न करे। करने में तो ये रहे बुद्धिमानी समझदारी सावधानी, और होने में बिल्कुल छोड़ दे, जो होने जो होने दो। उस होने में करने की बात आए तो करने की बात तो है अपने, तो जो होने की बात है वो अपनी नहीं है। उस होने में जो हो जाए अच्छा है, उस होने में इच्छा करते हैं तो इच्छा चलती तो है नहीं, यूं ही होना चाहिए, हम चाहे में होना ही चाहिए, अब नहीं होता। तो जो चाहिए हम होना चाहिए कहते हैं वो नहीं होता, और कहीं कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, गर्मी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हो जाती। तो ये हमारे हाथ की तो बात है नहीं, तो हाथ की बात नहीं है उसको छोड़ने में क्या बाधा है। कपड़े वड़े हाथ की बात हो तो क्यों छोड़े, भी कर ले, पर जो हाथ की बात है ही नहीं उस मुफ्त में पंचायत करे दुख पावेंगे, तो उसको तो खुली छोड़ रहे। अब वो होने न होने में जो कर्तव्य आता है उस पास में वो करते, जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी से रखना कैसे हो भाई, वो कर लो, वो तो करने की बात है। गर्मी क्यों आएगी, सर्दी क्यों आएगी, बरसात नहीं आएगी, बरसात आ गई, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं। अपने करना है वो ठीक करें, करने में दो बातें, तो कर सकते हैं, एक करना चाहिए वो करना है, और एक कर नहीं सकते और करना नहीं चाहिए वो नहीं करना है। कितनी सरल बात है। अगर इस तरह से रहे हम सावधानी से, तो जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं वो हो जाएगा। आप सब क्योंकि वो हो क्या जाएगा, वो तो है, केवल यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें ढका हुआ है। जैसे किसी वस्तु को ढक्कन दे दे, ढक्कन खोलने पर वो तो है ही। इस तरह से है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको छोड़ दे, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसको छोड़ दे, करना चाहिए वो करता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए पंचायत करने को, पूरा दुख पड़ा है, मुफ्त में दुख पड़ना। ये चारुभूति होती हो, ऐसा होना चाहिए वैसा हो भी जाएगा, अरे कभी होना चाहिए वैसा नहीं होगा, कभी नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, कभी नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, ये चारों बातें हैं। तो होना और न होना ये हमारी इच्छा और उद्योग के अनुकूल नहीं अनुसार नहीं है, ये कोई दूसरे विधान के अनुसार है। वो विधान भगवान की मर्जी मान लो, अपने प्रारब्ध कर्म मान लो,
अपना उद्योग भी मान लो उसको खाद्य उद्योग है नहीं, उसमें हम अपने रखेंगे तो दुखी सुखी होंगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। क्यों दुखी सुखी होगा? क्या ने कहा, न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मणि से था। इतना फल बताया बड़ा, न प्रेषित प्रियम प्राप्य, मन चाहिए बात हो जाए तो हर्षित नहीं होना, और मन से विपरीत हो जाए तो उद्विग्न नहीं होना। तो कहीं फायदे उसका है, हर्षित उद्विग्न होने में हलचल ही होगी, विक्षेप ही होगा, फायदा क्या होगा? सुनते हैं कि गति होती है, जो बार बंदी रहती है वो बिजली चमक दिल्लाती फेंकती है, क्या आ गया, आप क्या आ गई है? अब दुलाती झाड़े तो क्या वो धीरे बंद हो जाएगी, झाड़े तो क्या कमी ज्यादा हो जाएगी? मुफ्त में दिल से अपने क्यों दुखा है? मुफ्त में ही कितनी सरल बात है, उसमें क्या कठिनता है? ये कठिनता आपने खुद पैदा की है, बाद में वास्तव में कठिनता है नहीं, अपने पैदा की हो पता न करें। थोड़ा सा परिश्रम पड़ेगा पहले, आदत बनी हुई है, आदत के सुधारने के लिए, और कोई चिंता नहीं, जो हो जो होने में वो ठीक है। अब होने में उसमें जो अपने करना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हम सावधान रहे, और होने में प्रसन्न रहे और करने में सावधान रहे, ये दो बात है। कितनी उत्तम बात है, करने में सावधान क्या है, वो करना चाहिए और कर सकते हैं वो करना है, और नहीं करना चाहिए नहीं कर सकते वो नहीं करना है, ये सावधान। होने में प्रसन्न जो को हो जाए उसमें प्रसन्न, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है तो हो रहा है, और अपनी मर्जी से हो रहा है तो ही हो रहा है, और प्राप्त के फल से ही होता है तो हो रहा है। इसको प्राप्त बताया है, स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा, भगवत इच्छा से अनिच्छा से और अस्वेच्छा से ये हो रहा है। इस बात से करना और होना दो में खूब मजबूत रहे, ये दो ही चीज है सर, और क्या है? कुछ करते हो कुछ होता है, और क्या होता बताओ? कर्मयोग क्या बताया कि करने में सावधान हो, कर्म में करो कर्म में सावधान हो, वहाँ फल बता दो, फल के नहीं, फल है होना, उसमें कभी तुम्हारा अधिकार नहीं, करने में अधिकार है होने में अधिकार नहीं, सीधी सारी बात है, बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी शांति की बात। झंझट मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, शोक मिट जाए, हर्ष बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए, क्यों? जब होगा तो वही जो होना है, फिर क्यों दुख पाना? अगर नहीं होगा वही नहीं है जो नहीं होना है तो क्यों दुख पाना? होने में न होने में अपना कर्तव्य जो आ जाए ऐसा कर लो, तो हम आ गया तो छाया में चल जाओगे, छाया कर लो, छाया कर लो, ज्यादा लगे है तो भाई कपड़ा उड़ लो, अंधेरा हो गया तो प्रकाश कर दो, दिन हो गया तो फिर कोई प्रकाश नहीं। तो करने में तो ठीक है स्वतंत्रता है, होने में पराधीनता है, करने में भी शक्ति के पराधीन स्वाधीनता नहीं है, परंतु अलबत्ता स्वाधीनता है, होने में तो स्वाधीनता है ही नहीं हमारी, लेने के देने पड़ जाते हैं, व्यापार करता हो ना पहले लिए हो जाता है नुकसान, आदर आदर हो जाए, मान की जगह अपमान हो जाए, हो जाता है, होता है। तो होने में प्रसन्न रहे, भाई ठीक है, महाराज भगवान की इच्छा है, प्राप्त का भोग है कह दो,
अथवा दूसरे को किया हुआ है, दूसरे को कर दिया तो दूसरे कर दिया वो परिच्छा है, भगवान करे वो अनिच्छा देवी इच्छा है, और अपने ऐसी से करते हैं वो स्वेच्छा है, तो स्वेच्छा से करते हैं जैसा नहीं होगा, कभी नफा कभी नुकसान, कभी ठीक कभी ठीक, करने में ये बात नहीं। जो अच्छा बिना वो अपना हुआ जो होता रहे, ये गीता का सिद्धांत है। अब इसके अनुसार अपना जीवन बन जाए, आदमी निहाल हो जाए, चिंता मिल जाए, शोक मिल जाए, हलचल मिल जाए सभी। अब कोई मर जाए दुखी हो तो दुखी होने से क्या फर्क पड़ेगा, कैसे दुख तो हो जाता है, तो वो दुख जाता है वो उसको हम इच्छा करते हैं कि जीता रहना चाहिए, ये इच्छा रखने से दुख होता है, नहीं होता अपनी इच्छा छोड़े। उद्योग करो, कोई बीमार हो जाए दवाई दो, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, पत्ते रखो, रात में जगो, सेवा करो, जी जा दो आनंद, मर जा तो आनंद, वो अपने हाथ की बात नहीं। तो गवर्नमेंट ने अधिकार उससे माँ फलेशु कदाचन, भगवान की माँ फलेशु कदाचन, कभी नहीं कभी नहीं। इस वास्ते माँ कर्म पहले तू कर्म फल के हेतु भी तू मत बन, कितनी बढ़िया बात है। मैंने कर्म किया फल मिलना चाहिए, कोई तो नहीं तो कैसा हो तो करे ही क्यों, माते संग उसको अकर्मणी अकर्मणी कर्म कर्तव्य कर्म तो करना चाहिए, माते संग उसको अकर्मणी, कितनी बढ़िया बात। दुख है सोने दूर होना, सुख है सुखी की तस्वीर, स्थिर दिन मुनि उच्चे थे, वो स्थिर बुद्धि है, मुनि है, महात्मा है, संत है, इतने में संत पण मिलता है अपने, इतने नहीं। दुख है सुहा दुख वाला, सुख है सुखी की तस्वीर, मौज हो रही है, अनुकूलता हो जाए ठीक बात है, प्रतिकूलता आ जाए ठीक बात है, और आप नहीं ठीक मानो तो ये तो होगा, होना है वो हो करेगा। भागवत में आया है कि सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरक ही होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख और दुख है वो सुख तो स्वर्ग में भी होगा नरकों में भी होगा, नरकों में भी सुख होता है स्वर्ग में भी सुख होता है, नरक में यातना देकर छोड़ा जाए तो सुख होगा, खूब तंग करके फिर हवा में तो शांति मिले सुख होगा, जो कुछ खाना पीने मिल जाए वो मिल जाए सुख होगा, तो सुखो मैं नहीं स्वर्ग नरक ही होगा, नरक में सुख होगा, कहते जो सुख नरकों में मिलता है स्वर्ग है, इसका क्या पता के प्राणी नाम तथ्य था दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है कि नहीं, दुख की इच्छा करने से ही दुख मिलता है, तो दुख की इच्छा तो कोई करते ही नहीं, फिर भी होता है वैसे ही, तो जैसे दुख आपसे आ पाता है ऐसे सुख भी आपसे आ पाएगा। हमने बुरा कर्म किया उसका फल हम नहीं चाहते तो भी आवेगा वो, और अच्छा कर्म किया उसकी इच्छा करे सुखा रहे, इच्छा नहीं करे तो वो तो आवेगा ही, प्राणी हम तब देखा दुखम, सुख के लिए तो कोशिश भी करते हैं, दुख के लिए कोशिश करता है कोई, जो चीजें पूछते महाराज दिन देखो हमारे के साथ गाड़ी ठीक होगा जी, धन कब पैदा होगा सब पूछते हैं, ऐसा भी पूछते हैं कि महाराज हमारे घर में कई दिन होगा मरा नहीं, कोई कब मरेगा, घाटा नहीं लगा महाराज, घाटा कब लगेगा, बुखार तो है नहीं, तीन चार वर्ष हो गए, कब आएगा महाराज, तो नहीं चाहते पूछते भी नहीं, तुम एक पक्ष तो आवेगा हम पूछे तब, और एक पक्ष हमारे बिना क्या आवेगा, तो दोनों पक्षों को बिना कहे रखो,
की बात है। ना धन आवे सारे को उद्योग करो, धन के लिए परिश्रम करो, आ जाए तो मौज, ना आ जाए तो मौज। सिद्धि सिद्धि समूह सिद्धि असिद्धि में सम रहो, तुम्हारो उसकी दवाई करो, सब कुछ करो, रातों जगो काम करो, जी जातु को चाण मर जातु को चाण, क्योंकि वो जीना मरना हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन उसकी सेवा करना, करने में सावधान रहना है, करने में सेवा तो करने में कमी न रखे, जो ना जो हो जाएगा। आप सुना भी कितनी बढ़िया, कितनी शुभ बात है, कितनी शुभ अच्छी बात है। आज अगर इस बात का हम ठीक आदर करके इसको धारण कर रहे हैं, इसको महत्व देकर इसको धारण कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो भगत पर ठीक धारण होता नहीं है, भगत पशु के हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो गया तो एक मारवाड़ी कहा होता है, चल पर सवार हो गए, पर सवार हो गया, सवार हो जाएगा, एक बार फेल हो गया, तीन चार बार पांच बार फेल हो गया, छठी बार ठीक हो जाएंगे। अरे काम करते हो सदाई सफल थोड़ा, खेती करते सदाई अनाज होता है क्या, सदा काम करने के होता है सदा, तो ये ब्याज भी, अरे वो तो सदाई ही रहेगा, ये सदा ऐसा नहीं रहेगा। इसमें उद्योग करोगे तो सफलता जरूर होगी, कभी सफलता कभी विफलता होते होते अंत में सफलता ही होगी, विफलता होगी ही नहीं, क्योंकि नया कर्म है ये, वो पुराने कर्मों का फल है, जो पता है नहीं क्या फल है, पुराना कैसे कर्म है पता नहीं, इस बात की वो पता नहीं लगता उसका, इसमें तो पता है नष्ट हो जाओ। समलोक सुख स्वस्थ समलोक शासन आता है, समलोक सुख स्वस्थ समलोक शासन तुल्य प्रिया प्रिय धीर निंदा संस्कृति माना अपमान तुल्यो तुल्यो मित्र सरारंभ परित्यागी थे, ऐसे समय शत्रु मित्र जो था माना अपमानी दुख समाज संग संतुष्ट हो ये भगवान को प्यारा हो जाओगे, ये बात सीखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, तो ऐसी बात सीखने के लिए आते हैं, और क्या है, कोई काम तो सब होता नहीं हो। जो मुफ्त में मूर्खता के कारण से दुख होता है तो वो मिट जाएगा, और कोई मिटना चाहिए, तो मूर्खता ज्ञान से दूर होती है, अज्ञान ज्ञान से दूर होता है, समझने से मूर्खता मिट जाती है, मूर्खता मिटे पे दुख मिट जाता है, परंतु परिस्थिति के अनुसार घटना होती रहेगा, वो तो संसार का स्वरूप है, अनुभूता प्रतिभूता सब आती है, आने जाने वाली चीज है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, इसी में और मत बोलना, और दूर नहीं छेड़नी, इसमें कोई शंका हो बोलो। अब जब बंधन क्या रहेगा आप बताओ, आप बताओ बंधन क्या रहेगा, मैं मेरे रहेंगे नहीं, मैं मेरा है जो व्यवहार मात्र रहेगा, जैसे गैस की बत्ती होती है, उसको गैस लगा के जलाते हो तो जल जाती है, जलने के बाद वो प्रकाश देती है, परंतु पीछे कोई खोल के समेट लोगे क्या, चना है उनको भूंज दिया उबाल दिया तुम्हें उगेगा क्या, ऐसे मैं मेरा वो भुने चीने अंतर रहेगा, वो मरी हुए वो कह देते हैं उनको नेचुरल का वो हो जाएगा, ठीक है फिर राग द्वेष कैसे होगा, अब तो राग द्वेष होगा तो मैं मेरा क्या रहेगा,
न मेरे कोई कोड़ा पोड़ा पोड़ा रहेगा, न हर्ष होगा न शोक होगा न सुख होगा। तो मुफ्त में दुख पाते है ना, सुख परिणाम वो मूर्खता का है, सुख में हर्ष होता है ना वो मूर्खता है, सुख में हर्ष होता है ना, अनुकूल परिस्थिति में हर्ष होता है कि नहीं, वो मूर्खता है। ऐसे प्रतिकूलता में शोक होता है, उद्विग्न होता है, वो दुखेशु अनुद्विग्न बना सुखेशु विगतश्री है, तो अनुद्विग्न माना और विगतश्री है तो ये दोनों मिटेगा मूर्खता मिटने से। ये है मूर्खता, ये मूर्खता है। सुख दुख तो परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति आई उसमें सुख ही दुख क्यों है। हाँ जी, ये जो बात निष्कामित है, गीता में निष्काम भाव है, गीता में निष्काम भाव पर जोर दिया खास, निष्काम हो गया। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही कामना है, कामना यही और कुछ नहीं है। हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए, मन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये कामना है, कामना इतनी है बस। स्वरूप तो अनुभव, स्वरूप तो है ही, आप इतने बैठे हो सब बातों का अनुभव होता है, अपने आप के अनुभव का भी है, ज्ञान के भी अनुभव नहीं हुआ ऐसा अनुभव होता है कभी, तो बस यही तो है मुक्ति, ये मुक्ति तो है। नारायण 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 मौज हो।